नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो मुद्दे हैं, एक तो आपका टीजीटी रिजल्ट का और दूसरा है आपका ग्रुप 20 की भर्ती से संबंधित। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? अभी ये डिसीजन ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस पर डिसीजन क्या होने वाला है। तो चलते हैं सभी पॉइंट पे। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने न्यूज़पेपर पे और न्यूज़पेपर में जैसे लिखा है उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले तो है आपका जो डिसीजन है वो 20 ग्रुप से संबंधित एक बात है। 20 ग्रुप, ये 20 ग्रुप है, इन विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं था। सभी को पता है कि हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने जो 5 नंबर दिए थे आर्थिक मापदंड के, वो हटा दिए हैं। इसी दौरान क्या कहा था कि जो भी सीईटी की भर्ती हुई हैं वो एक नए सिरे से की जाएंगी, लेकिन उसी दौरान सरकार ने क्या किया था, ग्रुप सी के जो कैंडिडेट थे इनको भर्ती कर लिया था, इनको इनको ज्वाइनिंग दे दी थी। अब ये बच्चों का जो रिजल्ट हुआ था ना, ये बात ध्यान रखें यहां पे, मगर इनका चयन हाईकोर्ट की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर लगी रोक के दौरान हुआ था। जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी सामाजिक आर्थिक मापदंड की, उसके दौरान हुआ था। आयोग ने इनका चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर ही किया था, लेकिन यह बात भी सच है कि एचएसएससी ने इनका जो चयन किया था वो बगैर 5 नंबर के ही किया था, 5 नंबर जोड़ के नहीं किया था। अब बच्चों ने अपील की है कि ऐसे तो हमारा फ्यूचर है वो सेफ नहीं रहेगा और सरकार यानी कि हाईकोर्ट हमें कभी भी हटा सकता है, तो सरकार से अनुरोध किया था, गुहार लगाई थी कि आप हमारी तरफ से एक रिव्यू पिटीशन डाल दें, यानी कि पुनर्विचार याचिका दायर कर दे सरकार हमारी तरफ से, ताकि क्योंकि सरकार ने जो रिजल्ट जारी किया हो सरकार अपना स्पष्टीकरण दे कि हमने जो ये रिजल्ट दिया था और ये बच्चों का जो चयन किया था ये बगैर 5 नंबर के किया था, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ये होगा भी। तो इस आधार पर आप मान सकते हैं कि जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो सेफ है, अब इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, हटने वाले नहीं, क्योंकि 5 नंबर हटा के ही ये रिजल्ट जारी हुआ था, तो ये तो बच्चे हो जाएं सेफ। एक पॉइंट दूसरा ये था कि जो टीजीटी वाला, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं टीजीटी पे। ये न्यूज़पेपर है दैनिक सवेरा, एक मिनट कहाँ है भाई उसकी न्यूज, हाँ ये रहा, ये न्यूज थी भाई यहाँ पे। तो इस न्यूज में यह था कि हरियाणा टीजीटी का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता साफ है, हाईकोर्ट ने स्टेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही माना था। दरअसल हुआ क्या था, मामला क्या था कि 2015 के बाद से भर्ती नहीं हुई थी, 2015 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो जिन बच्चों ने एचटेट यानी कि आपको पता है एचटेट, ठीक है, जिन बच्चों ने एचटेट क्वालिफाई किया था तो एक समय सीमा थी और उस समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद भी इन बच्चों को परीक्षा में बुलाया गया था। अब कारण ये था, दो कारण थे, एक तो 2015 के बाद कोई भर्ती ही नहीं हुई थी, दूसरा कारण था कोविड, कोविड के कारण यानी कि भर्ती काफी समय तक लेट हो गई थी। तो इनका जो एग्जाम हुआ था और उनका रिजल्ट आया नहीं था, जो कैंडिडेट करीब 7000 कुछ थे, यहाँ पे लिखे होंगे कुछ 7000 करके जो भी है यहाँ पे लिखे होंगे भाई, अब सीधे से एक मिनट मैं इसको वो करता हूँ, दिखाता हूँ, 7000 कुछ पद थे। अब 7000 कुछ पदों में से हाँ 7471 पद थे, ये पद थे आपके 7471। अब कसूर इनका भी नहीं है और हाईकोर्ट ने इनको मान भी लिया है, वैलिड भी मान लिया है इनके अपील को, कि अपील ये थी कि इनकी कि हमारा भी यहाँ पे अधिकार बनता है, क्योंकि 7-8-10 साल में आपको पता है, जो 15 के बाद से आपका 7-8 साल जो भी गुजरे हैं उस दौरान कोई भर्ती नहीं हुई थी, और जैसे कि इन्होंने पहले पोर्टल ओपन किया था 2022 में, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू थे, कुछ और भी इश्यू थे, बाद में फिर ये ओपन की गई थी 2023 में एक नए एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो इसकी जो पिटीशन है वो मान ली गई है, ये बातें मान ली, इसके दो कारण थे, एक तो कोविड-19 का कारण था, एक 2015 से 2022 तक की शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी, दोनों कारण मानते हैं, और इस आधार पे एचटेट जो पास किया था वो उनका जो समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने जो समय सीमा बढ़ाई थी वो दोनों
क्यों? क्योंकि अर्जेंट में होना है, पॉसिबल नहीं था, तो ये बात भी मान ली है। तो ये मान के चलें कि अब आपका रिजल्ट आने वाला है इसका भी, किसका? टीजीटी का भी। और आपका जो 20 ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, इनके लिए भी खुशखबरी है कि यहाँ पेन को भी कोई हटाने वाला नहीं है, यानी कि ये भी अपने सेफ जोन में है। ओके, तो ये अपनी जो भी न्यूज थी मैंने आपको बताई है द दैनिक सवेरा न्यूज पेपर से। आप इसकी ये क्लिप है ये हमारे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हो, शिक्षा युग नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप ये देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।